और यकीन करो एक बार तो कोई गल समझ ही नहीं आई मैं आ किथे किया है। लेकिन फिर बताता हूँ कि एक लड़की पाकिस्तान से अकेली अफ्रीका आ रही है भाई। I'm recording myself, not you. This is Africa, baby. Africa. हुण मजा आया कि नहीं? यार फौजी आ गया तो भाई वो कहता निकलो यहाँ से। वो देख रहे मेरे पीछे पैप लेके आया भाई कहता उसने इशारा किया। Good. I really love you. Thank you so much, brother. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग द सीरीज़ ऑफ इथोपिया। फाइनली जो है तालिबान की जेल से मैं रिकवर हो चुका हूँ और अभी आप देखने चले हैं एक इथोपिया की बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़, उसके बाद कीनिया, युगांडा और रवांडा और इंशाल्लाह बाकी सीरीज़ भी आप देखेंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी मुल्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आज मेरी जो फ़्लाइट है वो तकरीबन 3 बजे फजर से थोड़ी देर पहले यानी यहाँ से निकलेगी और इंशाल्लाह अभी जाने लगे हैं, बोर्डिंग वगैरह करवाएंगे। और दूसरी गल तुम्हें पता थी दस कि मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस जो कि मैं पाकिस्तान जो फ्लाइट लैन लगा तो एक भाई वरी मेरे मत्थे लग गए जी। इन्हों चैनल के लिंक भी तुम दे से सब्सक्राइब भी कर लगे, बड़े बीबे बंदे ने। हमारा जो है तकरीबन 6 घंटे का स्टॉप होगा दुबई में और दुबई के बाद फिर हम अदीस अबाबा यानी इथोपिया का कैपिटल जो है वहाँ पे लैंड करेंगे तकरीबन 2 बजे के करीब जाके। पता नहीं लेट भी कर ले तो कोई पता नहीं, 12 से ऊपर ही टाइम हो चुका है जी। मैं कोई नहीं नाज़रीन, फाइनली बोर्डिंग हमने करवा ली है। बोर्डिंग में कुछ मसला भी आया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीज़ा जो मैंने लिया था ना इथोपिया का उसकी मुझे डबल फीस देनी पड़ी थी और वो डबल फीस क्यों देनी पड़ी थी वो मैं आपको आगे इथोपिया पहुँच के बताता हूँ। बाकी ये जो एयरपोर्ट है सारा मुल्तान का आप देख सकते हैं, ये बोर्डिंग शोर्डिंग हमारी हो गई है जी और ये हम आगे जा रहे हैं। चेक करें भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार। अभी सीढ़ियाँ भाई जी, अभी इथोपिया की सीरीज देखिएगा मज़ा आएगा यकीन करें। अभी गोप्रो मैंने छुपा के रखा हुआ यार, उसको मैंने निकाला नहीं है। बाकी जो है ना सारी वीडियो वगैरह आईफोन से फिलहाल वहाँ से इमिग्रेशन करवाते हैं फिर बताते हैं आपको। फाइनली नाजरीन बोर्डिंग भी हो गई है, इमिग्रेशन भी हो गया और सारा सामान वगैरह हमने चेक करवा के वेटिंग रूम जो है ये साथ में जैनब ड्यूटी फ्री एरिया जो है वहाँ पे हम आके बैठ गए। मेरी जो टिकट थी ना उसमें ओके टू बोर्ड अप्रूवल तो था लेकिन मैंने प्रिंट एक और टिकट का निकाला हुआ था। उन्होंने कहा जो स्टाफ था बड़ा कोऑपरेटिव था, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें आप हमें मेल कर दें वो टिकट, हम उसका प्रिंट निकाल के आपको दे देते। तो मैंने मेल के उन्होंने जल्दी से प्रिंट निकाल दिया। फिर जब हम FI इमिग्रेशन पे आए तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे थे, मैंने कहा इथोपिया। तो आप यूँ समझे कि जमा देना नानू तो एक और वैसे बिथत्थर गए सुन के लेके हम एक और ऑफिसर के पास गए तो ऑफिसर ने हमारे मेरा पासपोर्ट देखा, उसने कहा किधर जा रहे इथोपिया, बताया ये मेरा यूट्यूब चैनल। उसने कहा कोई नहीं खैर इसको जाने दो। फिर वहाँ पे हम दोबारा वापस आए, फिर उन्होंने स्टैंप वगैरह लगा दी, पूछा कि आप वापस पाकिस्तान ही आओगे, मैंने कहा हमने और किधर जाना। तो बस फिर उस स्टैंप वगैरह लगा दिए, हम फिलहाल यहाँ पे आके बैठ गए। तकरीबन 2:23 हो गए, आधा घंटा पड़ा जहाज में। इतने वाशरूम कितने अभी भी रुपये ले लें जिम्मे लैटरीन के बाहर खड़े होंगे। ये जी एयरपोर्ट का वाशरूम चेक करो कितना साफ सुथरा नाज़रीन। बात बहुत अजीब सी है, मैं वाशरूम गया था, वो वाशरूम भी अंग्रेज़ों वाले हमारे जैसे होते हैं वैसे तो है नहीं, कम्बोर्ड टाइप में बैठने वाले, दिल्ली नहीं किया वैसे ही वापस आ गया हूँ। PDM की हुकूमत मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त मेहरबानी करते वाशरूम तो सही करवा। नाज़रीन अनाउंसमेंट अभी हुई है और ये लोग देखे जो चौखे काले है जो पहले लाइन लून बना के खड़े हो गए जी। ठीक है जी, इन्हों डर पे गया किधर जहाज ना निकल जाए, जब ये सारे निकल जाएंगे बाद में जाएंगे इंशाल्लाह। ये हम आगे जा रहे हैं जहाज की तरफ, आ जी गली है सीधी जहाज के बच्चे जाती जी। फील तो ऐसे हो रहा है जैसे हम तुरखम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ। फर्क ये है कि उधर जाली लगी है इधर शीशे लगे हुए हैं, गली बिल्कुल वैसे ही। रात के बजे हैं जी तकरीबन 2:30, आधा घंटा रहता है अभी। फाइनली नाज़रीन हम लोग जहाज में आके मैं बैठ गया हूँ ठीक है, और अभी फिलहाल मुल्तान एयरपोर्ट भी है, थोड़ी देर में टेक ऑफ करने वाला है। अभी तक लोग बैठ रहे हैं, प्रॉपर लोग बैठे नहीं है। अनाज शीशा रहे जहाज के उड़ने और जमीन पर उतरने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आलात भी बंद कर देने चाहिए। नाज़रीन यकीन करें बड़ी कोशिश की है दूसरी तरफ से वीडियो लेने की लेकिन वीडियो सही नहीं आ रही, कपड़ा मारने वाला है भाई, कपड़ा मारे है। पर आपको जो है ना वो पंखा वगैरह तो लगा हुआ नहीं, ऊपर देखिए एसी बड़े स्लो है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हवा को नाज़रीन अब इसने स्पीड पकड़ी है, अब देखना मजा आएगा। बात हुई ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
नाजरीन ये पानी का छोटा सा साशा मिला है जी, ये तो गले से ही नहीं उतरेगा। ब्लैक चीरी योगर्ट, छोटा जी बर्गर है जी, और ये चम्मच वगैरह है जी। टी मेरी आ गई, उसने पूछा था टी और कॉफी, मैंने टी कह दिया। नाज़रीन फाइनली पहुंचे हम लोग, अभी लोग सारे उतरने लगेंगे, हम थोड़ा वेट करते हैं। आपको एक बात बताऊं, मैं जिंदगी में पहली दफा दुबई में कदम रखने वाला हूं भाई, देखते हैं पहला एक्सपीरियंस कैसा रहता है। फाइनली जी दुबई में कदम रख लिया हमने, जहाज से फाइनली निकल गए, इस बस में खड़े होके आगे जा रहे हैं एयरपोर्ट वाली साइड। तकरीबन 5 घंटे का वहाँ पे स्टे आउट होगा, उसके बाद फिर अभी चल के नमाज अदा करते हैं, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ेंगे। फाइनली जब हम लोग यहाँ पे पहुंचाए कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए, उन्होंने कहा थोड़ा साइड पे हो जाओ। यार एयरपोर्ट के अंदर भी एसी लगे हुए हैं भाई, बाहर तो बड़ी गर्मी थी लेकिन यहाँ पे मजे हैं भाई। मैं नाज़रीन उतरा एयरपोर्ट पे, जैसे ही फ्लाओ बस में बैठा और बस से आगे जैसे मैंने एयरपोर्ट में इंटर हुआ ना जी, तो मेरी एक थॉट्स थी कि यार इस्लामी अमारात है वो तो खैर अफगानिस्तान है, ये भी तो एक अरब स्टेट है ना जी, तो यार औरतें भी बड़ी बुरके में फिर रही होंगी, आदमी सारे चोले में फिर रहे होंगे। और जैसे भाई जी मैं एयरपोर्ट में दाखिल हुआ ना जी, और मैंने यकदम देखा, मुझे लगा कि कहीं भाई फ्लाइट हमारी लंदन में उतर गई है, भाई दुबई में उतरी नहीं है। यकीन करो भाई, यकीन ही नहीं आ रहा था, अन्ने वाह खाता है जी, लगता है जी नादन कपड़ों का घाटा है जी, इस तरह के हिसाब किताब है। और यकीन करो एक मिनट तो गल समझ ही नहीं आई, मैं आ कितने की आए, लेकिन फिर आधे आपने थोड़ा ठंडा किया भी नहीं हो भाई, और नाल समझाया भी दुबई है भाई जी, इंशाल्लाह हम इथियोपिया चलने हैं सीधा सीधा। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के तो मैं फ्री हो गया। वैसे भी आप जानते हैं कि मेरी जो ये सीरीज है ये इथियोपिया के रिलेटेड है, और ये व्लॉग भी इथियोपिया का है, तो यहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाइट, इसलिए दुबई की ज्यादा बात करके मैं आपका भी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। अभी तकरीबन 1 घंटा तो हो गया, 5 घंटे भी बाकी हैं, 5 घंटे यहाँ पे वेट करते हैं, और वेट करने के बाद फिर इंशाल्लाह इथियोपिया अदीस अबाबा पहुँचता हूँ, और आपको फर्स्ट इंप्रेशन जो है इथियोपिया का भी दूंगा। बोर्डिंग तो आसानी से हो गई, लेकिन जो चीज़ थी ना इमिग्रेशन, उसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब आप बोलते ना कि मैं टूरिज्म के लिए पाकिस्तान से जा रहा हूँ इथियोपिया या अफ्रीका, तो एकदम वो थोड़े चौंक जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से इथियोपिया के लिए बहुत कम लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, तो ये चीज़ अभी नहीं है उनके लिए ना, तो इसलिए ये अभी थोड़े मसाइल चल रहे हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर ठीक हो जाएंगे। आप देखें जी ये ड्यूटी फ्री एरिया है, और हम कोई भी चीज़ चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको धर्म में कन्वर्ट करके देख रहे हैं, अगर वो समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो भाई रहने दो उसको। ये देखें ये सारी ड्रिंक है शराब। अभी यार तकरीबन 8 बजे हैं सुबह के, 10 बजे बोर्डिंग स्टार्ट होनी, ये मेरे पीछे सारा एरिया है, यहाँ पर बैठा हूँ, और साथ मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने ना अपना नोटबुक भी निकाल लिया। यार वो फ्लाई दुबई अदीस बाबा की आवाज़ें लग रही हैं, हम भी अभी जा रहे हैं वहाँ पर लाइन में लगेंगे। वो देखें वो जो ये जो F11 वाली लाइन है ना, लाइन में हमें लगना है, ये आवाज़ें मार रही फ्लाई दुबई अदीस अबाबा। फाइनली जी हम बस में आ गए, ये देखें ये बस हमें लेके जाएगी, आपको यहाँ पे ज़्यादातर मकामी लोग मिलेंगे जैसे इथियोपिया वाले होते हैं। सामने जहाज राज हमारा, गर्मी जबरदस्त है भाई, वहाँ का वाक्य जो डेजर्ट होता है ना वो वाली, पता चल रहा है यहाँ पे सब दुबई का। फाइनली हम जहाज में आ गए, पीछे एक लड़की बैठी पाकिस्तानी, जब हम इंटर हुए ना तो उसने देख के कहा क्या पाकिस्तान, सारे जितने भी लोग हैं ना भाई जहाज में सारे के सारे मकामी हैं इथियोपिया वाले, तकरीबन 10 से 15 लोग इंडियन है हमारे साथ, कि इतने आके को पता लगा ऐसे भी चिट्टे हैं, वरना तो सभी काले काउंट होंगे। मजाक कर रहे हैं, डोंट बी नेगेटिव। जहाज काफी बड़ा है नाजरीन, सीटें ज्यादा खाली पड़ी हैं, ये ना रस्ते में ब्रेक लगा के सवारियां इकट्ठी करनी शुरू कर दें, पता नहीं फ्लाइट तो डायरेक्ट ही है लेकिन लोग अभी नहीं है इसमें। ट्रेन की औरतें लड़ती ही बड़ी हैं, मेरे पीछे मेरी बैक साइड 2 माइयां बैठी हैं, बड़े दी लगियां ही खड़ी हैं, चुप ही नहीं होते पे, सोर नहीं लगती पे, किसी के गले करते पे ने एक दो ना लड़ी जा रही है। अफ्रीका जाते हुए अफ्रीकन वाइब्स, मेरी सीट तो नाजरी उधर थी लेकिन जहाज अद्धा खाली पिया जी, मैं उठी तो इतने आ गया ठोक ठाक ना, देखो जी अच्छी वीडियो शीडियो बनाने बाहर। तकरीबन 4.5 घंटे की टोटल फ्लाइट है जी, अभी जहाज और जिम्मे हवा भरता भी है, अभी जहाज टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, रनवे के ऊपर खड़ा है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो 4.5 घंटे बाद हम अदीस बाबा इथियोपिया में होंगे। अभी 50 मिनट हो चुके हैं, हम यहीं पे रुके हुए हैं, 5 जहाज जा चुके हैं, 5-6 बल्कि एक और जा रहा है फ्लाई दुबई का, 5-6 मैंने देखे, ये छठा जहाज है लेकिन हमारा अभी तक वहीं पे रुका हुआ है।
रनवे के ऊपर चढ़ा ही नहीं, रनवे के पास रुक गया बस, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो दुबई के एयरपोर्ट है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। दूसरी हिसाब से भाई हर 5 मिनट में एक फ्लाइट यहाँ से निकलती, 5 तो ज्यादा, 1 मिनट में भी निकल रही है यहाँ। बेटा लगे हुए हमारे पीछे भाई 4 खड़ी है, आप अंदाजा लगाओ, एक ये भी खड़ी है, एक ये भी खड़ी है, वो भी 3। यार ये कि इन्होंने फॉर्म दे दिए, ये मेरे ख्याल में इनको फिल करके वापस जमा करवाना है। ये इथियोपिया पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट ट्रैवल हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म फॉर एबोला वायरस। पंडित जी खाना आ गया हमारा, चेक करते हैं क्या इसमें। नाज़रीन मेरे खाने में भिंडी थी, चिकन था और उबले हुए चावल थे, बड़े बेहतरीन लगे, पता नहीं क्यों, पहली दफा। बगैर मिर्चों वाला खाना भी बहुत अच्छा लगा, शायद अफगानिस्तान में ट्यूनिंग अच्छी हो गई 2 महीने जेल में, इसलिए। ले जी हमारी टीवी आ गई। ये भाई जी स्टाफ सी, ठीक है। अभी यकदम नीचे जोर से हुआ, यकदम ऐसे आवाज निकले, फिर जल्दी से संभल गया। यार मौसम बहुत खराब और लैंडिंग बहुत खतरनाक हो रखी है। अल्लाह पाक का शुक्र है, फजल करम से लैंडिंग जो हमारी बोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हो गई है, जहाज जो टर्मिनल पे लगेगा और फिर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। और आप देख सकते हैं कि लोग माशाल्लाह काफी तरीके तेज हैं यार, हमारे वाले थोड़े लेजी होते हैं। अभी वो जहाज रुका नहीं है, प्रॉपर चल रहा है, तो उन्होंने पहले से अपने बैग उठा लिए, तो इस मामले में तो हम भी खैर काफी आगे हैं। अभी जहाज खाली हो गया और सबसे आखिर में हम लोग निकल रहे हैं जी। ये है जी एयरपोर्ट, फाइनली वी हैव रीच्ड इथियोपिया। यार हम लोग भी अफ्रीका में आज पहुंच गए यार। मैंने इमिग्रेशन करवा लिया, सारा कुछ क्लियर हो गया, हमारा एंट्री की स्टैंप भी लग गई है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा यहाँ पे इमिग्रेशन क्या था, क्या सवाल हुए। हमारे साथ एक लड़का था ना, उसका वीजा गुम हो गया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लगा, मैंने उसको बोला कि सर ये मेरा पासपोर्ट है, ये वीजा है। तो उसने कहा ठीक है। उसने बोला आप ठीक हो, सेहतमंद हो? तो मैंने कहा सर मैं सेहतमंद हूँ, तो मैं घूमने फिरने के लिए आऊँ ना, सेहत ना होती तो मैं क्यों आता। तो आगे सेंसरने लग गया, कहता नो मैटर। फिर उसने जल्दी से वो उठाई, स्टैंप पर लगा दी। मैंने कहा सर मेरे साथ वाले एक दोस्त के पास ना वो नहीं है, वीजा गुम हो गया। कहता कोई मसला नहीं है, मोस्ट वेलकम। अब पाकिस्तानी, उसने उसके पे भी स्टैंप लगा दी, तीनों को स्टैंप लगा दी। कहते वेलकम टू इथियोपिया, कोई मसला नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई होटल बुकिंग नहीं, कोई येलो फीवर भी हमारे पास था, पोलियो सर्टिफिकेट भी था, लेकिन नहीं पूछा। लेकिन आप लेके आइएगा, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे अभी ये सामान आ रहा है जी, ठीक है। और ये सारे लोग खड़े हैं जी, यहाँ से भी सामान मिल रहा है। अच्छा अभी मैं आपको बताता कि एक हमारे साथ एक लड़की थी यार पाकिस्तानी, वो अकेली आई है यार इधर वहाँ से, और किस लिए आई है वो मैं थोड़ा टिकाने लग जाऊँ, फिर बताता हूँ कि एक लड़की पाकिस्तान से अकेली अफ्रीका आ रही है भाई। अभी यार हल्की फुल्की बारिश हो रही है और हम लोग एयरपोर्ट से निकल आए, और ये एयरपोर्ट है बहुत ही खूबसूरत है, यकीन करो। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का खूबसूरत एयरपोर्ट आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। बारिशें आपको पता है यहाँ पे मुसलसल होती रहती है, बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। अभी जाके बारगेनिंग करनी पड़ेगी टैक्सी वालों से भी, ठीक है। अभी हमारे पास लोकल करेंसी भी नहीं है यार, हमने इधर से चेंज इसलिए नहीं करवाया कि हमें इधर से मिल रहा था $1 पे तकरीबन, जो बीरन की करेंसी वो दे रहे थे ये तकरीबन 55, तो हमें चाहिए 90 के करीब, और ओपन मार्केट जो है जो ब्लैक मार्केट है वहाँ पे 70 दे रहे हैं, लेकिन हमें ये सुनने को मिला है कि भाई 90 तक मिल जाती है। तो अभी थोड़ी बहुत तो करवा रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा करेंसी है वो बाहर निकल के करवाएंगे। बहुत खूबसूरत सिटी है भाई, पहाड़ों में घिरा हुआ है, वो देखो पहाड़ों के ऊपर भी घर हैं। हेलो ब्रदर, सलाम, नो टैक्सी? नो, आई डोंट वांट गेट टैक्सी। यू डोंट वांट? या कोई नाजरीना, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूं अदीस अबाबा, टैक्सी वाले पीछे बहुत ज्यादा घिरने वाले थे, लेकिन हम उनकी बातों में भाई मैं नहीं आया। हेलो, असमुख लोग हैं यार, ऐसा अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि वीडियो क्यों बना रहा है। अलबत्ता फौजी खड़े हैं सामने, बंद करो। Because we don't have money. Adventure. Adventure. Give you money. Don't worry. Oh, you are so rich. Yeah. No. If you are rich, then why are you here? Yeah, I will give you. Come. Go to Dubai and spend your money there. ये लोग खड़े हैं जी बाहर अपने प्यारों को लेने के लिए, यहाँ से रिसीव करने के लिए, मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही इंटर नहीं हो सकते, गेट के बाहर यहाँ पे खड़े होते हैं। और ज़्यादातर आपको इनमें से टैक्सी वाले लोग मिलेंगे, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, ठीक है भाई। I don't want to get taxi. This is. यहाँ पे चल रहा है। हाँ, कर गया दूर में। कैमरे ने देखा, गुआ पे कर गई। No, no, this one. Stop. I'm recording myself, not you. कैमरे तो बजते पहने भाईजान, स्कैमिंग कर देना, जो पता लगे अभी स्कैमिंग की वीडियो बनेगी उस तिलक जान देने। हमें नहीं पता हम किधर जा रहे हैं, बस हम जा रहे हैं भाई। ये देखो जी सामने सैमसंग गैलेक्सी का बोर्ड भी लगा हुआ है, कितना खूबसूरत व्यू बन चुका है भाई। ये नीचे कंस्ट्रक्शन चल रही है यार, बादल देखो यार, कितना खूबसूरत व्यू है यार।
मजा आ गया भाई, मजा आ गया। दिस इज अफ्रीका बेबी, अफ्रीका। हुण मजा आया कि नहीं यार? आप देखे ना, यहाँ पे आपको लोकल जैसे मिलेंगे ना भाई के आप मत पूछो यार। अभी एयरपोर्ट का इलाका है ना, इसलिए यहाँ पे आपको जो है ना वो थोड़ी फोर्सेस मिलेंगी, इसलिए भाई वीडियो वगैरह जब भी आप आए बनाते हुए एहतियात करें। इथियोपिया जो है ना, ये अफ्रीका का वो कंट्री है, यहाँ पे आपको लोग जो है ना इस तरह के मिलेंगे कि उनमें आपको गोरे रंग के भी मिल जाएंगे, यानी मेरी तरह के रंग गोरा तो मेरा खैर नहीं है, गंदमी रंग के भी मिल जाएंगे और थोड़े स्याह यानी मेरे रंग के भी मिल जाएंगे। मतलब आप बात समझ गए ना। ये सामने फौजी खड़े भाई डंडे लेके, डंडे की जगह तो पैंप लेते खड़े, पैंप कुटन वाला। सर आई वांट टू गो टू सिटी। ठीक है, सिटी या सिटी या। अच्छा खैर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा वीज़े में मुझे डबल फीस क्यों देनी पड़ी। वीज़े में जब मैं एप्लीकेशन सबमिट कर रहा था ना भाई, तो वहाँ पे ऐसे था कि डेट जो हम लोग लिखते हैं ना, उस डेट भाई दो तीर आते हैं, एक तीर से आप महीने आगे गुजार सकते हो और दूसरे तीर से आप साल गुजार सकते हो। तो मैंने वो महीने वाला दबाना था और वो साल वाला दबा दिया, जिसकी वजह से वो शो तो जुलाई हो रहा था लेकिन 2023 नहीं बल्कि 2024 हो गया। तो वो जब मैंने उसकी कार्ड से पेमेंट भी कर दी और वीज़ा भी लग के आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो वीज़ा इस साल का नहीं अगले साल का है, तो फिर मुझे दोबारा पेमेंट करनी पड़ी और एक नया वीज़ा निकलवाना पड़ा बड़ी एहतियात के साथ। तो फिर जाके मुझे जो है ना वो वीज़ा मिल गया, और वीज़े की मुझे कॉस्ट पड़ी है $83 एक वीज़े की। दूसरी बात यह कि वीज़े के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कुछ नहीं चाहिए, पासपोर्ट का स्कैन का फोटो खींच लेना है, अपना फोटो खींच लेना है वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, और एक ट्रैवल अटर्नरी बना लेनी, यानी उसमें आप होटल शामिल कर लें, ठीक है, और उस होटल का एड्रेस वहाँ पे साइड पे लगा दें और वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दें अपने पेमेंट डन करने के बाद। पेमेंट नॉन रिफंडेबल होगी, वीज़ा रिजेक्ट हो भी गया पेमेंट वापस नहीं मिलेगी, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता इथियोपिया का, आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आ सकते हैं। वो फ्लाइट मुझे मिली है तकरीबन 1,17,000 रुपये की वन वे, पाकिस्तान से दुबई और दुबई से यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट कराची से जाती है, लेकिन कराची में मेरा डर था कि जाने से पहले अगर मोबाइल छिन जाए, तो इससे बेहतर है कि मैं थोड़ा मोहतात रहूं। हॉस्टल जो है वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, 2500 तक सबसे लो प्राइस, और उससे आप तो फिर जितने मर्जी उसको खींचते जाएं। I'm recording myself. Yeah, you are so nice. I'm going. Yeah. Thank you so much. यार फौजी आ गया तो भाई, वो कहता निकलो यहाँ से, वो देख रहे मेरे पीछे पैप लेके आया भाई, कहता उसने इशारा किया। यार ये क्या कैमरे को आवाज़ें भी मारते हैं लोग यहाँ पे। बाय बाय ब्रदर। फौजी को हाथ हिला दिया। फौजी भी आज अच्छी पाकिस्तानी मत लग गया साढ़े। ये था फर्स्ट इंप्रेशन। एयरपोर्ट के करीब वीडियो भी मत बनाइएगा, साइड पे हो जाएगा वरना पैप होना चंगा फड़े हुआ है। हेलो की हाल है? ये देखो भाई ट्रैफिक वाले उसका चलान कर रहे हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? गुड। गल हुई ना? जोर ला खादा पिता कर। ढिल्ला है जोर ही कोई नहीं। यार अभी होटल पे जाना था तो भाई ये पुलिस वाले हैं यार यहाँ के, मैंने इनसे पूछा कि आपके साथ तस्वीर ले लें, वो कहते नो प्रॉब्लम यार बनाओ, कोई मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच यार, मजा आ गया। You guys are so good, brother. I really love you. Thank you so much, brother. Thank you so much. Love you or I love you? I do love you, you said, or I didn't love you? I say I love you. I love you, all right. I love you. We love you too. Thank you so much. Thank you so much. All right, you people are so good. Thank you for your presence here. Thank you so much. Nice to meet you too. Thank you so much. तस्वीर बना में पिछड़ होना चाहते ना। So nice. He's taking picture. Look at the camera. good. Thank you so much. Thank you, brother. Nice to meet you. Very funny. He said, I want. Don't mind. This is the last one. Thank you so much, brother. यार देख लो यार, तालिबान से तो ये भी लोग अच्छे हैं यार। देखो यार, कम से कम 2 महीने की जेल तो नहीं की उन्होंने, कितना प्यार के साथ बोलते हैं आप पिक्चर बनाओ। हालांकि अफ्रीका को हमेशा करप्शन में सबसे फर्स्ट लेवल पे शुमार किया जाता, और ये अफ्रीका की पुलिस थी यार जो फॉरनर के साथ कितना अच्छा बिहेव कर रही है यार। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? गुड 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 गुड। बाकी अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बान चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई, बड़ा खपे पौधा दो बैग चाहते टूरना सौखी गल नहीं है, मजाक थोड़ी है।